तो दोस्तों बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़, यस गाइस, गुरमीत सिंह को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है साइनिंग कर लिया है, एकदम डील डन कर लिया है। उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई अभी जो ये गुरमीत का अपडेट है, गुरमीत का साइनिंग नॉर्थ ईस्ट ने कम्प्लीट कर लिया, ये अपडेट मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। अभी तक किसी यूट्यूबर ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया होगा। मैंने ही मतलब अपडेट आते ही भाई मैं सो गया था, अपडेट आते ही मैंने वीडियो बनाने लग गया। तो भाई इसी बात पे सब्सक्राइब करो यार, इस मेहनत मतलब इतने मेहनत के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए ना भाई, सब्सक्राइब। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्कस मार्कलाउसर, यस गाइस, जिसके बारे में तो आपको पता ही है, तो इन्होंने जो है ट्वीट करके कन्फर्म कर दिया कि गुरमीत सिंह जो है अभी किसी भी क्लब में साइनिंग नहीं किया है। कल ही इन्होंने ट्वीट करके सबको बता दिया कि गुरमीत सिंह ने अभी तक किसी भी टीम में मतलब साइनिंग नहीं किया। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि केरला ब्लास्टर ने साइनिंग कर लिया, बट नहीं भाई, सिर्फ बातचीत किया था बट कन्फर्मली साइनिंग नहीं किया था। बट भाई अभी बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ ये आ रहा है कि गुरमीत को साइन कर लिया भाई, डील डन हो गया भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, डील जो है एकदम डन हो चुका है, 100% डन हो चुका है। आप लोग स्क्रीन पे ट्वीट देख सकते हो, मार्कस मार्कलाउसर ने बता दिया है कि मतलब 1 से 2 दिन, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर ही मतलब आपको पता चल जाएगा, मतलब अनाउंसमेंट आ जाएगा। अभी भाई डील जो है एकदम डन हो चुका है, कोई शक नहीं है कि डील डन नहीं हुआ है, एकदम कन्फर्मली डील डन हो चुका है। इसी बात पर सब्सक्राइब करो यार, ऐसा गुड न्यूज़ भाई आपको कहाँ मिलेगा भाई। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया भाई, अपडेट आते ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया भाई, व्हाट्सएप पे बता दिया, और वीडियो भी भाई अपडेट आते ही भाई मैंने मतलब मैं सो गया था, उठ के तुरंत भाई वीडियो बनाने लग गया। तो इसी मेहनत के लिए भाई, इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो यार भाई, एक सब्सक्राइब ही तो चाहिए। तो गुरमीत सिंह के बारे में तो भाई मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुरमीत, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो गुरमीत सिंह नॉर्थ ईस्ट एफसी भी पहले खेल चुका था और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ वो जो हैदराबाद एफसी में चले गए, और उसके साथ साथ भाई इंडियन नेशनल टीम के साथ भी खेल चुका है, एक चैंपियन प्लेयर है भाई, ISL भी जीत चुका है और इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीत चुका है इंडिया टीम के साथ, मतलब हमारे इंडियन नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मिर्शाद मिकू के पास तो भाई आपको बताइए, मिर्शाद मिकू के पास एक्सपीरियंस तो है बट अभी वो फॉर्म में नहीं है, मतलब टट्टी है भाई वो तो आपको पता ही है भाई, सीजन का परफॉर्मेंस। तो अभी जो है गुरमीत को साइनिंग कर लिया है भाई, एकदम डील डन हो चुका है भाई, है ना भाई। इसी बात पे सब्सक्राइब तो को यार, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। तो गुरमीत सिंह के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारे चैनल पे आप लोग विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये न्यूज़ सीन को आपको ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।